इन्होंने अपनी बहू को सताया है, मारा है, पीटा है उन्हें, और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये रिपोर्ट एक महिला ने लिखवाई, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप थाने में पूछताछ कर सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, जरा उस चुड़ैल का नाम और पता तो बताइए जिसने ये रपट लिखवाई है। देखिए, उन्होंने अपना नाम तो हमें नहीं बताया, उनसे बात करके हमें ऐसा लगा कि वो काफी पढ़ी लिखी है, कानूनी दाव पेज को भी काफी समझती है। जब तक हमारे घर के सारे बर्तन तोड़ फोड़ ना देगी ना ये बिन्नी, इसे चैन ना पड़ेगा। रे बिन्नी, रसोई में घुसता ही थारा हाथ पैर धूझन लग जावे है के? हे महारा राम जी, करम फूट गया महारा, एक लंगड़ो एक काणी मैं एकली सियानी, रख किस किस ने संभालू। बाहर बीनड़िया हवा खावे और अंदर अंदर मोटियार रसोई में खाना बनावे, के कर रहे हो ये सब? फैला दिया ना सारा चौका, अब समेटती रहूंगी सुबह तक। अरे बाबू, ऐसी बात ना है, वो हमने उनको बाहर बिठाया, वो क्या ना, आज हम तीनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना खाना बनाया जाए, और वो भी भाभो की पसंद। इसलिए मोहित आलू गोभी और विक्रम पराठे, और मैंने तेरे लिए भिंडी की सब्जी और खीर बनाई है। पर क्या जरूरत थी ये सब करने? अरे भाभो, तू भी ना वैसे कमाल करती, हर पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो हम खाना बना रहे हैं। और जब तू बीमार पड़ जाया करती थी तो याद है किस तरह हम तीनों रसोई संभाला करते थे, क्या स्वादिष्ट खाना बनता था बाबो। हो, अरे ये कल की बिंदनिया क्या जाने कि हम क्या क्या हंगामे कर चुके हैं। हाँ, सब याद है, सूरज के हाथ की बनी हुई दाल, थारे हाथ के बने हुए फलके, सब याद है। और मोहित, मोहित अपने छोटे छोटे हाथों से हमारे लिए थाली परोस कर लाया कर दो। एक हाथ में थाली पकड़ा कर दो तो दूसरी हाथ में अपनी दिल्ली लिख कर। और विक्रम तू बाबू, नहीं नहीं नहीं, तो चुप रह, हमेशा की तरह मोहित के ऊपर कटोरी फेंक कर मारिया कर दो। और कटोरी पकड़ने की चक्कर में अपनी दिल्ली लिख कर नीचे उतर। मैं क्या करती थी? बेटा, थारी कहानी की तो के बात है, ना तू बचपन में कुछ करती थी ना अब कुछ करे। थारी कहानी की शुरुआत तो ससुराल जावेगी ना जब शुरू होवेगी, जब थारी सासू थारे माथे पर दो चार थोलिया देवेगी ना, मने लागे है जदि थारी काम की बोली हो। ले बेटा, माइक में आ इसको। लेकिन क्या दिन थे वो संत? अरे बिंदनियों, क्या खाने बनते थे बताओ? दाल तो ऐसी बना करती थी, जली जली, सोंधी सोंधी। और रोटियां तो ऐसी बनती थी कि हमारे भारत देश का नक्शा है ना, वैसी बनती थी, कभी कश्मीर तो कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, पानी पी पी के निगलना पड़ता था। फिर भी आप चटोरे तीन कटोरी दाल भर भर कर पी जाया करता। मजाल है, डकार लिए बिना थाली सरका दियो। इक्की रखा और पोल मत खोल। पर बाबा साहब, पहले तो जैसे तैसे रोटियां बेल दिया करता था मैं, पर अब दिखाऊं आपको मैंने कैसी रोटियां बेली हैं? दिखा दिखा। ये देखो बाबा साहब, ये देखो, इसे कहते हैं गोल गोल रोटी। हाँ, अरे जब ये गोल गोल रोटी आप खाओगे ना तो ऐसा लगेगा पूरी धरती घूम कर आ गए। अरे तू क्या देख रही है, तेरे बस की ऐसी रोटी बनाना? पूरी जिंदगी भी रोटी बेलेगी ना तब भी ऐसी गोल रोटी नहीं बना पाएगी, समझी? देख मत ऐसे मुझे।
भैया मुझे नहीं लगता कि रोटी आपने बनाई है, बनाई सूरज भैया ने होगी और नाम खुद का ले रहे। नहीं, मैंने बनाई है। अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? देख गोल रोटी बनाना बहुत ही सिंपल है, एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ तेरे ससुराल में भी काम है। वैसे तो भैया ने आज भी आड़ा तेड़ा नक्शा ही बनाया था, किया इतना कि अरे रुको 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 भैया एक मिनट किया इतना उन्होंने कि रोटी ली और इस गोल ढक्कन में डाल के साइड का हिस्सा काट दिया, बन गई गोल रोटी। बदमाश, कम से कम गोल रोटी तो बनाई मैंने। कोई बड़ी बात थोड़ी है, विक्रम बचपन से ही तिकड़म बिड़ाने में मामा शकुनी ने लज्जा मार दिया ऐसा था। अभी के कम है। बच्चे की जान ले लो। बाबा साहब भैया बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा अच्छे हैं, बताओ याद नहीं? नहीं बिंदड़ी को बताता हूँ। बिंदड़ी, सूरज एक बार बचपन में अपनी बाबू साहब को नाराज हो गया और उस नाराजी में इसने दिन भर खाना ही नहीं खाया, ऐसे मुंह फुला के बैठ गया जैसे कि किसी ततैया ने नाक पर डंक मार दिया। फिर क्या था, फिर भाबो और मैं खाना लेके इसके पीछे पीछे डोलते रहे, पुचकारते रहे, लेकिन ये है कि इसने किसी की एक ना मानी। ऐसा है ये, जब तक सीधा है बढ़िया है, अगर बिगड़ गया तो इसकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल है। रूठे हुए भैरव जी को 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के मना सकते हैं, लेकिन सूरज को मनाना बहुत मुश्किल है। छवि, एक लड्डू के लिए परेशान क्यों हो रही? अरे सारे भाइयों की लाडली बहन को सारे भाई मिलके लड्डू खिलाएंगे, चलो। ये हमारी लाडली बहन भाइयों के हाथ से लड्डू खाएगी। हेलो हेलो संध्या, प्रीति बोल रही हूँ। बिनी, की का फोन है? भाभो मेरी सहेली प्रीति का फोन है। चलो खाओ खाओ। संध्या, वो भाभो भाभो छूट गई है प्रीति और अब सब ठीक है। खाने पर बैठकर सब एक दूसरे के बचपन की बातें बताकर हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब। पता है संध्या, ये बहुत अच्छा लगने वाला हैप्पी हैप्पी सीन ना तेरी वजह से हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रीति। इस तरह हंसते खेलते परिवार को देखकर मुझे मम्मी पापा भैया भाभी की याद आ गई, इसी तरह हम सब भी। संध्या इट्स ओके, प्लीज रोना मत। प्रीति, घर अपनों और अपनों के प्यार से बनता है, जो उन्हें विश्वास के बंधन में बांधता है, लेकिन मेरा वो प्यार, वो विश्वास एक झूठ, एक धोखे के कारण टूट गया। पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर ना लगे।
बहुत दिनों बाद इस घर में मैंने खुशी देखी है। बाबू के चेहरे पे मुस्कान आई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक झूठ की वजह से बाबू की मुस्कान इस परिवार का प्यार फीका पड़े, उनका विश्वास टूट जाए। प्रीति, मैं कल ही बाबू को सब सच बता दूंगी, सब कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए।